नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में योगी सरकार 2.0 का एक साल पूरा हुआ है। सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता की। कलेक्ट्रेट परिसर में ODOP की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, किसानों को अनुदानित ट्रैक्टर भी दिए गए हैं। उपलब्धियों बना रहा योगी सरकार का कार्यकाल, ऐसा राकेश राठौर कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जिले में एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जेल का भी निर्माण पूरा हो चुका है, गिलौला में बाईपास के लिए धन का आवंटन भी किया गया, वहीं सिसवार घाट पर पुल निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया है। प्रभारी मंत्री राकेश राठौर यहां पहुंचे, प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, साथ ही साथ सरकार के एक साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनवाते हुए नजर आए। आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक साल पूरा होने पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए सीएम योगी को बधाई उन्होंने दी। कहा कि उनकी सरकार को बधाई है, पीएम मोदी को बधाई, उत्तर प्रदेश में एक स्थायी और स्थिर सरकार मिली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का एक साल यानी कि दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर उन्होंने सफलतापूर्वक और कीर्तिमान के साथ 6 साल पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का हमें मौका दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। सीएम योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये 44 वर्षों के बाद हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बना है। इस स्थिर सरकार में प्राथमिकता के आधार पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन, खुशहाली, आम जनता के लिए समृद्धिशाली काम हुआ, उसके जो परिणाम आए हैं, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देश में ही नहीं दुनिया के भीतर पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है और देश के भीतर हमारी रैंकिंग अव्वल नंबर पर है, यानी कि प्रथम नंबर पर। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। अयोध्या में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाए जाने की स्थिति में काम भी हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, यहाँ के अस्पतालों को बेहतर बनाने की लगातार कवायद की जा रही है। वही फतेहपुर में जिले के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने यूपी सरकार के 6 साल का विकास कार्य की पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार हर वर्ग में लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को लेकर पूछे गए सवालों में कहा कि 25% डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन सरकार हर हाल में डॉक्टर्स की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कराए जाने के प्रयास में लगातार प्रयासरत है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में धान तोड़ को लेकर बड़े पैमाने में हुए घोटाले को लेकर DM को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान ने कहा कि इस कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमियों के माध्यम से रोजगार लगेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जहां इस मौके पर जिले के आलाधिकारियों से लगातार जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कार्य किए हैं वो पूर्व की सरकार से अत्यधिक विकास हुआ है। तो फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ है, जिसको लेकर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री, मंत्री राकेश सचान पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 साल के कार्यकाल को लेकर पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही कहा कि यूपी सरकार हर वर्ग में लोगों में लगातार विकास पहुंचा रही है, लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य हो रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किए हैं। सरकार हर क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। यूपी में बहुत कुछ बदला है, पहले की सरकारें इस तरह से विकास नहीं किया करती थी। वही पीलीभीत के थाना सहरामऊ इलाके के महादेव माती गांव का एक पूरा मामला है, जहां के रहने वाले विवेक सिंह, जो कि पुत्र राजेश सिंह के घर में बीती रात चोर घर की दीवार तोड़कर घर में दाखिल हो गए और कमरे में रखे बक्से में 2500 रुपए नगद और करीब करीब 10 ग्राम सोने और 2 तोले चांदी लेकर फरार हो गए।
लाखों की चोरी बताई जा रही है। इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी परिजनों को सुबह उठने पर हुई, तब मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि पीलीभीत एसपी अतुल शर्मा ने बीते दिन ही सेरामऊ में तैनात थानाध्यक्ष कमलेश मिश्रा का तबादला किया था, जिसके बाद नवागत थानाध्यक्ष को चोर एक बड़ी चुनौती देकर फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरिपर्वत पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 मोबाइल, 10 फर्जी मोहर, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सामान बरामद हुआ। दरअसल आपको बता दें कि थाना हरिपर्वत पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक आधार सेवा केंद्र के पास एक दुकान पर फर्जी मोहर लगाकर फॉर्म सत्यापित किए जा रहे थे। इसी सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जानकारी हुई कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं। पुलिस इनके कब्जे से तमाम फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी मुहर आधार कार्ड बरामद किए। पुलिस को दी गई जानकारी पर जानकारी हुई कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसके जरिए ये पैसे कमाते थे और अन्य कागजों को भी फर्जी मुहर के सहारे सत्यापित करते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ना कहीं पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। कासगंज में बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। नरेंद्र यादव निवासी आवास विकास कॉलोनी कासगंज का बताया जा रहा है, जहां पर यह दर्दनाक कारनामा हुआ। गोली लगने से घायल पिता हो गया, वहीं बेटी को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं डॉक्टर्स ने पिता और बेटी दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सौरभ दीक्षित ने इस पूरी घटना का जायजा लिया है। मृतक की पत्नी से भी मामले को लेकर पूछताछ की गई। घटना के मुख्य कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कासगंज नगर की पॉश कॉलोनी में हुए दर्दनाक हादसे से निवासी हालत में पड़े हैं। कोतवाली नगर कासगंज के क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की घटना और एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। फोरेंसिक टीम भी जुटी हुई है, लेकिन अब तक आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण साफ नहीं हो पाया। क्या पूरा मामला है? 2023 को थाना कासगंज पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आवास विकास चौकी के समीप एक व्यक्ति नरेंद्र यादव, जो कि अध्यापक हैं और अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने आवास पर रहते हैं, इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को और अपनी बेटी को गोली मार दी है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी उच्चाधिकारी एवं हमारी फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। जो दोनों घायल लोग थे उन्हें तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था। दुर्भाग्यवश दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। जो नरेंद्र यादव हैं, इनकी पत्नी से प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें उन्होंने वही सहारनपुर जनपद में मारपीट कर वीडियो वायरल करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मामला बड़गांव क्षेत्र के गांव रतनहेड़ी का है। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में गांव रतनहेड़ी निवासी 2-3 युवक पड़ोसी गांव पीपलो निवासी युवक की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मारपीट करने वाला युवक गाय पकड़कर गौकशों को बेचने की बात कह रहा है। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं हमीरपुर में भी कुछ इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक को बेल से पीटते हुए दबंग दिखाई दे रहे हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। टेढ़ा गांव ये बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है। जनपद में आए दिन दबंगों द्वारा बेरहमी से मारपीट कर वीडियो सोशल मीडिया में डालकर फैलाई जा रही है और इससे कहीं ना कहीं दहशत में लोग हैं। दबंगों के बीच कहीं ना कहीं पुलिस का अकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के डेढ़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर का ये वीडियो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ दबंग एक युवक को बेल्ट से जमकर पीट रहे हैं। हालांकि युवक जो है वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है और उसे छोड़ देने की बात कह रहा है, लेकिन युवक जो है वो लगातार उस पर बेल्टों की बरसात कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता समाप्त करने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं गोरखपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल किया जाए, वरना यह प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भारी रोष में दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से गोलघर चेतना तिराहे होते हुए मार्च निकाला है और इस दौरान पुलिस ने उनकी टाउन हॉल के पास धक्का मुक्की होते हुए तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। लेकिन प्रदर्शन आक्रोश जो है वो लगातार कांग्रेस का जारी है। तो गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद से ही लगातार देश भर के कोने कोने से कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं कि उनकी संसद की सदस्यता जो है वो बहाल होनी चाहिए। आगरा में साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है। कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड कर रहे थे, अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे, वॉइस कॉल के माध्यम से अमेरिकियों से बातचीत किया करते थे। अमेरिकी नागरिकों से उन्हीं की भाषा में ये लोग शातिर तरीके से बात करते थे। अब तक करोड़ों का ये फ्रॉड कर चुके हैं, प्रतिमाह 30 लाख का ये फ्रॉड करते थे। 2021 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिटकॉइन के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों से पैसा लिया करते थे। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को भी इसकी सूचना दी है। यूएसए की जांच एजेंसी भी इस पूरे मामले में शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने शातिनों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड अनुराग प्रताप रिटायर्ड अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। तो आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड लगातार कर रहे थे। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हुआ है। सरकार ने जनता के बीच जो वादे किए थे सभी वादे पूरे किए हैं। ये बातें भाजपा काशी क्षेत्र मंत्री सैफुल अब्बास ने की है। उन्होंने कहा कि वो अपने आवास पर मौजूद हैं और प्रयागराज के हंडिया में प्रेस वार्ता भी उन्होंने की। सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया है। साथ ही 70 सालों में जो गैर भाजपाई सरकार थी वो जनता को लूटने का काम कर रही थी, लेकिन आज चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, सभी जगह विकास सही दिखाई दे रहा है। प्रदेश और देश की सरकार को डबल इंजन की सरकार बोली जाती है। आज हर गरीब को आवास, शौचालय सब कुछ नसीब हो रहा है। इस सरकार से हर वर्ग के लोग खुश नजर आ रहे हैं। पिछली सरकारों में गुंडा राज, माफिया राज कायम था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुंडे माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है और गुंडे माफिया खुद अपने आप को थानों में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सभी गुंडे माफिया पिछली सरकारों में माफिया राज चलाते थे, लेकिन जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं सब गुंडे खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज बहन बेटियां बेहिचक खुलकर घर से बाहर निकलकर हर जगह जा रही हैं। किसी को अब किसी बात का डर नहीं है। आज दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट लोक मंच पर राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का जनपद में सजीव प्रसारण देखा गया और 1 साल का नमक विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और मंत्री ने सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। वहीं उनसे कुछ सवाल पूछे गए। एक सवाल के जवाब में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि 6 साल में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर कहा कि देश कानून से चलता है। कानून के तहत अदालत से उनको सजा मिली है। जो सजा दी गई है उसे सिद्ध हो गया है कि देश के अंदर कानून का राज कायम है। पहली बात ये जानना चाहिए
कि ये पार्टी की कार्रवाई नहीं है, ये अदालत की कार्रवाई है और देश के अंदर ये देश कानून से चलता है। कानून के तहत अदालत के द्वारा उनको सजा दी गई है और जो सजा दी गई है उसको जो भी प्रावधान है वो लागू है, वो सब पर लागू है और इस घटना से यह सिद्ध हो गया है कि देश के अंदर कानून की तरह भाजपा कैसे करा रही। भाई भाजपा के विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता गई तो अगर भाजपा ही कराती तो वो सदस्यता क्यों जाती उनकी। मंत्री जी विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता 3 महीने बाद गई है, राहुल गांधी की अगले दिन चली गई। ये कोई मैटर नहीं है कि किस दिन चली गई, ये तो निर्णय की प्रक्रिया है। वहीं मुरादाबाद में कांग्रेसियों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए बिना बोले ही जनता की आवाज को कांग्रेसी बुलंद करेंगे। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर सभी को समझाने की कोशिश की और भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताया है। आज मुरादाबाद महानगर के अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा से जानना चाहा कि आखिर वो किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सभी सवालों के जवाब में उन्होंने बैनर उठाकर और मुंह पर काली पट्टी बांध दी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर उन्होंने जवाब में एक बैनर को उठा दिया जिस पर लिखा था कि हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस से डर गए हैं तब जवाब में एक बैनर उठाकर जवाब दिया कि हम गांधी हैं, हमारे हौसले फौलादी हैं। उन्होंने बार बार बैनर उठाकर सिर्फ एक ही जवाब दिया कि नहीं बोलेंगे तो जेल जाएंगे। इस तरह का प्रदर्शन देखकर अभी तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रदर्शन लगातार जारी है और इस तरह का प्रदर्शन देखकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी एक ट्रक में भरकर 32 जीवन सांड को बिहार ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया और फरार अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। सर ये सिकोहाबाद में गो तस्करी वाला क्या मामला है? देखिए आज जो है थाना सिकोहाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एटा की तरफ से एक जो कैंटर आ रहा है जिसमें 35 जो है गौवंश भरे हुए हैं, इनको जो है तस्करी करके बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और गौ तस्करों से उस कैंटर को पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से फायरिंग की गई तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त फरार हो गए। 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक फिरोज और दूसरा वसीम खान है। फिरोज जो है ये औरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वसीम जो है गया का रहने वाला है बिहार का। उनके फरार साथी जो है वो भोला खान और कामिल हैं। भोला जो इसमें है ये बिहार का रहने वाला है, कामिल आगरा का रहने वाला है। इनके लिए इनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो है अभियोग पंजीकृत गौ तस्कर से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे जो है विधिक कार्रवाई इसी के अनुसार की जा रही है। धन्यवाद। योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने आज हरदोई में जहां योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया तो वह इन्होंने प्रमोद तिवारी के राहुल गांधी के जुडिशरी एरर के बयान पर सलाह देते हुए पलटवार करते हुए सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी एरर के लिए कोर्ट जाए लेकिन जो उन्होंने विदेश में टंग एरर की है उसे कौन सुधारेगा। वहीं विपक्ष की एकता को लेकर कहा कि इनमें इतने मतभेद और मनभेद हैं जो कभी एकता के साथ काम नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की 2.0 सरकार का 1 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण आज अलीगढ़ पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक के बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आए। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है जिसको लेकर प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने प्रेस वार्ता की और साथ ही साथ
उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उनका कहना है कि सरकार लगातार हर एक मुद्दे पर काम कर रही है, हर एक क्षेत्र तक विकास पहुंच रहा है, हर एक तबके तक विकास पहुंच रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का जाल बुनना हो। योगी सरकार अव्वल है पूरी तरीके से और हर धड़े में काम करना जानती है। पिछली सरकारों की तरह गुंडा राज नहीं है, अब कानून के तहत उत्तर प्रदेश में काम होते हैं। कानून का डर जो है माफियाओं में, अपराधियों में नजर आता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।